गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग 11th चैप्टर प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित्थ प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रिया द्योतक। और तदित्थ प्रत्यय के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, स्त्रीवाचक, गुणवाचक, सादृश्यवाचक और गणावाचक। प्रत्यय जिस तरह से किसी शब्द के अंत में जो जुड़ जाता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। जैसे दूध के पीछे बाला तो हो गया दूध वाला, दूध के अर्थ को इसने चेंज कर दिया। इसी तरह से सार, मिलन सार, आऊ टिकाऊ बिकाऊ, आका लड़ाका, अड़ी आड़ी यानी खिलाड़ी, आलू झगड़ालू, ऊ कमाऊ लड़ाकू, एरा लुटेरा। ऐसे ही ना को पीछे जोड़ के तो ओढ़ना खाना, नी को जोड़ दीजिए तो सूंघनी ओढ़नी। करणवाचक कृत में देखिए ऊ को झाड़ू, ई तो रेती भारी, ना को जोड़ना तो बेलन झाड़न, नी कतरनी चटनी। अब है भाववाचक कृत्य में आई तो चढ़ाई लिखाई पढ़ाई। थैंक यू।